जी, जी। नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते पूजा थैंक यू सो मच। टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ के आप uh, मतलब आप एक मुस्लिम घराने में पैदा हुई है आपका बचपन कैसे गया और आपने क्या तालीम ली कुरान की या व्हाट वाज योर चाइल्डहुड लाइक जी मेरे जन्म हुआ था जी यस वो मुस्लिम फैमिली नॉर्मल लेकिन वो घर में वो नामज वगैरह ये चलता रहता है लेकिन हिजाब पर्दा और मैं जो कंट्री से हूँ वहाँ पे बहुत ही रिसेंटली पर्दा आ रहा है एक समय था जब ट्वेंटी थर्टी इयर्स बैक देयर वॉज हिजाब पीपल बोल रखने हिजाब नहीं पड़ती थी तो एनी वे तो मेरे वैसे लिवर कंट्री घर है गाना बजाना वो बॉलीवुड सब चलता रहता है हमारे घर में तो जी जी तो तो मैंने एक लिबरल जगह देखा है एक सेक्युलर कंट्री देखा है लेकिन फिर भी जब हम अब एक मुस्लिम कंट्री में कुछ कुछ ऐसा फैमिली इन्वायरमेंट रहता है जो हमको पता होता है जो बाहर के लोगों को पता नहीं होता है ना तो इस जो घर की माहौल है वहां पे यू you नो know, कि हम थोड़ा अलग है हम मुस्लिम है superior, हम जाएंगे, किसी और धर्म के लोग जन्नत में नहीं जाएंगे तो ये सब तो हमने बार हमेशा ही सुना है ये सब तो आ, मैं जब टीनेजर थी जब मैं टीनेजर टीनज एज पे आई तो तब मेरे फैमिली से तो ऐसे एक फोर्स शुरू हो गए कि हाँ तुम अभी तो तुम्हें नमाज पढ़ना है अभी तो तुम्हें रोजा करना है धर्म सीखना है तो जो है है वो वो मैंने कभी में जाके नहीं लिया है। okay. लेकिन अरबी मैंने सीखी थी मुझे मैं जब बारह तेरह साल की थी पढ़ना डेफिनेटली जस्ट पढ़ना प्रोनाउंसिएशन बट वही तो होता है ना तो मुझे एक प्रॉब्लम है कि मैं ना अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आए ऐसे सब की मंत्री की मंत्रा की तरह ना मैं मैं कुछ मेमोराज नहीं कर सकती हूँ ऐसा नहीं होता मुझसे तो इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट ऐसे सुरा वगैरह सीखना इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट और वो जो मौलाना है क्योंकि मैं जो एक मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर थी तो आस पास में मस्जिद वहाँ पे मौलाना का वो बयान तो ये सब तो सुनती रहती थी तो मुझे लगता था कि मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिर्फ नमाज सिर्फ रोजा सिर्फ पर्दा और हज और जाकत और कुर्बानी mm -hmm. इसके बारे में ही बात होता है है mm -hmm. yeah. तो मेरा तो जब मैं टीनेज़र थी तब मुझे लेकिन मैं हमेशा uh, मुझे क्या कहते हैं इसकी इंटरेस्ट था इस बारे में कि मैं थोड़ा जानू धर्म के बारे में क्योंकि आई एम नॉटन टू बी अवे फ्रॉम गॉड मुझे मैं गॉड को नहीं मानूंगी मुझे जी, जैसे जी मैं 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 जीना चाहिए मैं वैसे जी इस तरह के मेरा था नहीं तो okay. मैं जानना चाहती थी कि क्या है क्या नहीं है तो मुझे कुछ चीज बहुत अच्छा नहीं लगता था उस समय के ऐसे ना जान बुझ के हम कुरान पढ़ रहे करो तो क्या फायदा मुझे तो hmm. समझ में नहीं आ रहा ना मैं हतर बार करूँ क्या फायदा समझ में तो नहीं आ रहा है ना yeah. तो वैसे सिर्फ नमाज सिर्फ रोजा सिर्फ पर्दा ये सब पढ़ने से क्या होता है हमेशा सुनती हो कि एक जीवन व्यवस्था है वे वे ऑफ ऑफ लाइफ लाइफ इस्लाम अरे भाई है क्या मुझे वो तो और ये जो तो पाबंदी है कि हम अलग है हम अलग फा, है हम सुपेरियर है मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता था मैंने जितने भी अपने साथ मैंने जितना भी हिंदू फ्रेंड था मेरा क्रिश्चन फ्रेंड था मैंने कभी भी ऐसा नहीं समझा कि वो लोग मुझसे कम है मेरे मेरे अंदर कभी ये नहीं आया कि आई एम सुपरियर देन देम एनी वे तो एक समय हुआ तो मैं उतना मेरा लगाव नहीं था जब मैं छोटी थी टीनेज एज की थी तो फिर क्या हुआ 2014 में हालात कम्प्लीटली बदल गया वो इसलिए कि मुझे अचानक से ना एक डर लगने लगा कि अगर मैं इस्लाम में ना रहूं अगर मैं तो क्या होगा कि मेरा फैमिली तो इस मुस्लिम है

Uh, hmm. मस्जिद के शायद उन लोगों को उतना पता नहीं है वो लोग बस ये दो चार बातें करते रहते हैं नमाज बस वगैरह के बाद लेकिन hmm. शायद है एज अ वे ऑफ लाइफ शायद इस्लाम hmm. अच्छा है तो मुझे जानना पड़ेगा hmm. तो 14 से मैंने क्या किया 14 से मैंने ठान लिया कि यस आई एक्चुअली एक्सेप्टेड इस्लाम इन फोर्टीन आई वुड से मेरे फैमिली okay. मुस्लिम है लेकिन मैंने दिल से दिल से मैंने एक्सेप्ट किया है फोर्टीन में ओके yeah. okay. तो उस समय मैं क्वाइट क्वाइट सीरियस मैंने पांच वक्त नमाज पढ़ना शुरू कर दिया कभी कभी होता था लेकिन मैं कासा पढ़ देती थी छूटता नहीं था कॉलेज से आई पहले मैंने नमाज पढ़ती थी बाद में खाना ऐसा। और हिजाब मैंने मेरे बाल को ही नहीं देखा ट्वेंटी से मैंने कम्पलीट हिजाब पढ़ी और मुझे सजना संभरने का बहुत शौक भी था वो भी मैंने छोड़ दिया इवन मैंने छोड़ दिया एकदम जो एकदम जो एकदम अगर कोई फंक्शन हो भी मैं थोड़ा सस्ती थी अदरवाइज मैं सस्ती नहीं थी अच्छा ऐसा तो ऐसा हाल क्योंकि मुझे अपना पढ़ना है मुंह तो दोना है सच क्या दो ना हाँ हाँ छोड़ी दी थी तो ऐसा चलता रहा उस समय मैंने जानने के लिए अच्छी तरह से मैंने क्या किया कि ये सब मोलाना की बात बातों से तो ज्यादा कुछ पता नहीं चलता तो एक मैं काम करूँ जो इंटरनेशनल स्कॉलर है मैं उन लोगों की बात सुनू तो उस समय बहुत मशहूर था डेफिनेटली जकिर नायक वो भी कुछ मुफ्ती मेन है और भी कुछ uh, मौलाना है, है मैं उन लोगों की बातें सुनने लगी कि जानो अच्छी तरह से क्या है तो एक समय था जब uh, मुझे अच्छा भी लगता था इस, क्योंकि uh, जकिर नायक की जो बात है अगर कोई सिर्फ उनकी बात सुने एक तरह से मेक्स सेंस एक्चुअली कि इस्लाम uh, तो पहले से है वो आदम आदमी से है फर्स्ट hmm. है तो ये सब ना इट सेंस इन यू आर इन दिस या इट विल नॉट मेक टू अदर पीपल यू आर वेरी स्टॉन्च बिलीवर तो आपको सेंस लगने लग गया था जी हाँ क्योंकि बाहर की बातों को उतना नहीं सुनना मतलब एक, एक yes. से देखे सेंस yeah. yeah. hmm. और लड़की के बारे में भी वो वोर नायक कुछ झूठ बोलते हैं कि hmm. आ, ये जो तो चार शादियाँ है मुझे हमेशा प्रॉब्लम था इस चार शादियों से हमेशा प्रॉब्लम था लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जाकिर नायक क्या बोलते हैं कि इस्लाम ही एक रिलीजन है जहाँ पे एक एक शादी करने की बात बोला गया है इवन है भी hmm. सुरानी साहबे के अगर hmm. ना कर सको uh, hmm. जस्टिस तो एक करो hmm. लेकिन बाद में ये भी बोला गया है कि तुम जस्टिस ना कर नहीं पाओगे तो डजेंट मैटर ये भी तो कहा गया है अब ये तो जाकिर नायक बोलेगा नहीं लड़कियों को बताने के लिए तो आ, और जो हूर हु हूर में वो क्या कहता था, था कि ये एक न्यूट्रल फॉर्म है न्यूट्रल मतलब लड़की को लड़का को दोनों को मिलेगा विच इज अम्प्लीट लाइक हम पढ़ते हैं इट इज ओनली फॉर अ गर्ल वो लड़का नहीं है और लड़की को नहीं मिलने वाला तो ये सब थोड़ी थोड़ी बातों में ना मैं आ भी गई थी ऐसा चलता रहा लेकिन फिर भी ना कुछ सवाल हमेशा ही था जमा 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 हो रहा था hmm. तो अभी एक समय जाके हुआ कि ये सारा 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 पॉइंट ना मिल गया एक जगह पे कि ये प्रॉब्लम तो काफी जगह पे है hmm. प्रॉब्लम तो एक जगह पे नहीं काफी जगह पे है तो मैंने बहुत बा... क्या कहते हैं उसको सुनना भी मैंने बंद कर दिया उसके सारे बातें मुझे बुरा भी लगने लगा तो anyway, hmm. एनी ऐसा चलता रहा ट्वेंटी ट्वेंटी तक और

और धीरे धीरे ये जो क्या कहते हैं जैसे जो पजल पीसेस था मेरा स्कैटर्ड पजल पीसेस के ये 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 ये, ये, ये प्रॉब्लम है ये सारा का सारा पाजल पीसेस मेरा मिलने लगा 2020 से धीरे धीरे और जितना मुझे ये पाजल पीसेस मिला है मैं उतनी इस्लाम से दूर गई हूँ एक क्या कह दोगे मेरा फाउंडेशन जो है इस्लाम का वो इतना स्ट्रांग है नो वन कैन ब्रेक इट एवर वो इतना स्ट्रांग है और अगर मैं पॉइंट करके बोलूं कि क्या क्या वजह था एक तो ये वजह है एक बड़ा वजह है कि इस्लाम में इंसान को बहुत ही एक लाइन में दो हिस्सों में बांटा गया है कि एक बिलीवर है एक नॉन बिलीवर है इवन एक नॉन बिलीवर अगर मर जाए तो इनाजी ये अगर ये हम मुस्लिम के लिए कह सकते हैं इवन एक नॉन बिलीवर के लिए कह भी नहीं सकते yes. है ना yes. तो ये yes. बात एज अ ह्यूमन एज अ ह्यूमन अंग मुझे तो ये बात अच्छा नहीं लगता है है ना? सही बात। तो और जो यहूदी के जू के साथ इस मुस्लिम लोगों के युद्ध होगा आप देखिए इंसान वो धर्म क्यों चाहते हैं दुनिया में अपने जिंदगी में शक्ति के लिए अच्छे वे ऑफ लाइफ के लिए अच्छा किया करूं बुरा कौन से काम से मैं दूर रहूं मैं कैसे अपने श्रोष्टा से मिलूं इसके लिए अब यहाँ पे धर्म क्या कर रहा है इंसान को दो हिस्सों में बांट रहा है एक है मुस्लिम एक है और वो दोनों आपस में लड़ रहा है ये खुद मरेगा या दूसरों को मरेगा क्या हो रहा है हम, है। हम क्या हम चाहते थे रिलीजन इस इस काम के लिए डू यू रियली नीड रिलीजन इस काम के लिए चाहते थे कि हम इस हम, हम इंसान दो हिस्सों में मार जाए एक दूसरों को मार दे क्यों क्यों हम घर में नहीं रह सकते अपनी फैमिली के साथ नहीं रह सकते क्यों हम अपने पे फोकस नहीं कर सकते क्यों हम अपने काम पे फोकस नहीं करेंगे क्यों हम में आके हम क्या कहते हैं मैदान में आके हम मारेंगे एक दूसरे को एक काम करते हैं हम इस्लाम को जूडिज्म को, जु, को उठा देते हैं तो फिर तो फिर तो हमारे बीच कोई दरा नहीं रहता फिर हम इंसान रहते हैं है ना येस. एक धर्म अगर मुझे सिखाया कि मैं किसी और को मारू भाई ये धर्म किस से आया है देर वॉज अनदर एक रीजन था और लड़की वीमेन वीमेन क्या है वुमेन hmm. के बारे में बोलो फिर तो लंबा लाइन लग जाएगा कि वीमेन क्या है एक तो आप दूसरों के वीमेन को अपनी लॉन्डिया बना सकते हैं आप स्लेव बना सकते हैं स्लेव जी। कि यहूदी के साथ लड़ेगा लड़ने के बाद वो तो बहुत तो लड़का तो मर जाएगा उनकी बीबियों को क्या होगा बच्चों को क्या होगा उनकी बेटियों को क्या होगा उनको हम लेके आएंगे हाँ क्या कहेंगे हमें बच्चा दो सही बात किस तरह के और फिर उसको स्लेव बना के आप बेच भी सकते हो बेच भी सकते all. हैं दैट इज कि आप एक लड़की के सामने एक पराय मत बुख खड़ा होकर बोलेगा कि तुम मुझे एक बच्चा दो हाउ डिस yes. कौन सी कर रही है कहा से आ रही है और जो मर्द जिसके बीबी भी घर में है एक मुस्लिम लड़की घर में उनकी बीबी है और उस मुस्लिम लड़की के पति पर ऑर्डर और और के सामने जाके बोल रहा है कि तुम मुझे एक बच्चा दो का है इस लड़की के पास किसके पास है वो लड़की जूरी, जूरी, जूर के पास है या मुस्लिम लड़की के पास है किसके पास है किसी के पास है इस जगह पे कौन लाया धर्म लाया ये जो स्लेवरी सिस्टम है ये कोई इंसान का सिस्टम है? Uh, है कैसे

प्रॉब्लम नहीं आई मीन इट्स इट्स नॉट नॉट डिस्टर्बिंग डिस्टर्बिंग नो अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है oh. तो मेरे माँ को मेरे माँ जो है वो घर में ज्यादा मुस्लिम ज्यादा मानती है अपने धर्म को और मेरे oh. बहन जो है मेरे बहन को एक्चुअली मैंने उनको बोला उसको सब oh. दिखाई तो दिखाने oh. के बाद शी ऑल्सोड प्रेइंग ना बस पढ़ना छोड़ दिया है मेरे बहन भी oh. तो oh. वो समझ गई कि इसमें कुछ नहीं है लेकिन मेरे माँ जो है उन्होंने मैंने उनको नहीं बताई क्योंकि बताना से फायदा नहीं है तो मेरे माँ ने वैसे ही हम दोनों को एक बार बातें करते हुए सुनी तो सुनने के बाद कहा कि उसने मेरे माँ मेरे माँ ने मेरी बहन को पकड़ी कि क्या हो रहा था क्या बातें हो रहा था तो बातें कुछ जानने के बाद कुछ पॉइंट जब हमने बताया बहुत जोर जबरदस्ती किया मेरे माँ ने फिर फिर मेरी माँ ने एक्चुअली कुछ देखा भी देखने के बाद वो उल्टा हमको समझा रही थी कि वो इसलिए हो रहा है इसलिए जैसे जैनो की बात जैनो की बात था जनाब और मोहम्मद का तो अल्लाह की इच्छा में हुआ था, जब भाई भाई रहने दो रहने दो तो मेरी माँ ने एक्चुअली उसके बाद हमसे इस बारे में बात नहीं किया तो शी सम नो के आई एम नो आउट लेकिन वो सुनना नहीं चाहती है एंड जाना भी नहीं चाहता और हमें भी इस बात से कोई प्रॉब्लम वो अपना रिलीजन रखना चाहे तो नथिंग प्रॉब्लम प्रॉब्लम

मुस्लिम तो आ, आपकी चलो आपने अपनी पढ़ाई कर ली है मतलब you have completed your, uh, हाँ, मैंने पढ़ाई जी जी पढ़ाई किया है अच्छा आई यू so, yeah, हाँ. एक चीज के टुमारो लाइक यू अगर आप काम पे जा रही हो इफ आर वर्किंग इज डिफरेंट बट वन डे यू गेट मैरिड फिर क्या उप्रें? फिर व्हाट विल बी योर नहीं मैरिज के बारे में मेरे मेरे ऊपर किसी का भी रास्ता चलने so, वाला है ओके एब्सोल्युटली माइन एंड मेरे शादी के बारे में बहुत ज्यादा जरूरी जरूरी ये है कि हमारा कंपैटिबिलिटी है या नहीं दिस नंबर वन फैक्ट और उनके uh, मेरे पार्टनर के उनके बिलीव कुछ भी हो सकते हैं एक्सेप्ट इस्लाम कुछ भी हो सकते हैं लेकिन except बस Islam. इतना उनको एक इस्लाम एक इस्लाम एनीथिंग

बट मैं सोचती हूँ जानना है

तो तुम्हारे जो आजू बाजू में लोग हैं लाइक यू नो यू मैंने एक बात देखी है है है, कि बहुत ज़्यादा होती ना वो डरती हैज नो इंडिपेंडेंस या फिर उनको खुद के ऊपर वो नहीं होता है कि हम कैसे छोड़ दें डू यू थिंक आपके जो आपके जो माहौल में आपके आजू बाजू में जो लड़कियां हैं उनको यू कैन इन्फ्लुएंस देम और यू कैन लाइक यू नो is there any way where you know mostly humko aisa lagta hai ki why women are not coming out once a woman comes out it's very easy you know because uh, women is more influenced uh, influence kar sakti hai apne bachchon ko ya apne usko to aapko kya lagta hai ki what is one thing that a woman doesn't want to come out uh, मतलब तुम्हारे एक्सपीरियंस से विद योर एक्सपीरियंस व्हाट डू यू थिंक अपने आजू बाजू में देखकर वैसे मेरे आजू बाजू में जो यहाँ पे इस्लाम की उतना ज्यादा कट्टरता नहीं है और लड़कियां वो पढ़ती हैं वो बाहर जाती हैं और ओके, वो खुद ही ऐसा होता है कि बत, कम उम्र में वो शादी भी कर लेते हैं अपनी मर्जी से ही ऐसा नहीं अच्छा, कि जबरदस्ती कोई दे रहा है तो अः अच्छा, ऐसा ही है नॉट अ बिग प्रॉब्लम लेकिन अच्छा, हाँ तो मुझे ऐसे वैसे भी मैं बाहर नहीं जाती हूँ लोगों से उतना मिलती भी नहीं हूँ तो मैं अपने कामों से बिजी रहती हूँ अपने अपने काम पे तो वैसे मैं किसी को उस तरह से अपने सामने किसी को मैं इन्फ्लूस नहीं करना चाहती क्योंकि उसमें मेरा भी एक मेरा मेरा क्या मानना है वो भी रिवील हो जाएगा तो मैं इसको रिवील करना आ, सही नहीं, नहीं, नहीं समझती जी नहीं। और मैं ये भी नहीं देख रही हूँ कि वो लोग बुरी है वो लोग अच्छा है उनकी जिंदगी भी इज नॉट सो बैड

हाँ, जाता है हाँ, हाँ, जाता है अगर वो पढ़ना चाहे तो पढ़ सकती है अच्छा अच्छा तो दैट इज वेरी गुड ना इन चलो बिकॉज बहुत uh, बहुत मुसीबत से uh, निकलना पड़ता है बहुत फियरफुल होता है बहुत कुछ होता है व्हेन यू लीव दिस नो देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स अभी तो चलो ठीक है आई थिंक पीपल आर गेटिंग मोर दिमाग से खुल रहे हैं समझ रहे हैं क्योंकि इतने सारे चैनल्स भी आ गए हैं जो लोग देख रहे हैं और इस्लाम के बारे में तो एवरीबडी नोज लाइक यू नो एंड दे ट्राई टू बहुत सारे आके ट्राई भी करते हैं कि वो लोग यू uh, नो you know, अपनी दलीलें रखें लेकिन कहीं पर भी उनके पास कोई जवाब ही नहीं होता है दैट इज द यू नो दैट इज द पावर ऑफ यू नो दिस पीपल हुआ जिन्होंने ये चैनल किए हैं ये इतने पावरफुल है दट इनके सामने कोई टिकी नहीं पाता चाहे कोई मौलाना हो चाहे कोई भी हो दैट इज रियली ग्रेट जी हाँ वेरी ग्रेट सो वॉट डू यू लाइक यू नो वट डू यू वॉट डू यू थिंक अबाउट योर चैनल एंड हाउ डू यू वॉन्ट टू लाइक यू नो यू आर डूइंग वेरी गुड जॉब दो आपने डाले हैं बट यू गॉट

अगर एक लड़की एकदम ही ऐसे माहौल में है कि उनको बहुत ही कट्टरता में है उनको हिजाब में रखा जा रहा है तो उस जगह से एक्चुअली बाहर निकलना मुझे लगता है कि काफी तक हमारा पहुंचना भी एक्चुअली मुश्किल है और क्या होता है कि एक सिंड्रोम जैसा भी हो जाता है इंसान के अंदर की yes. जो उनको उस उनके ऊपर अत्याचार कर रहा है उनसे प्यार भी हो जाता है राइट तो ऐसे ही मैंने देखा है कि लड़कियों में भी ऐसा कुछ एक्चुअली मेरे आसपास के मैक्सिमम अच्छे ही है लेकिन कुछ मेरे इवन okay. फैमिली के पेडिडेटिव में भी है कि कट्टरता okay. है थोड़ा है लेकिन मतलब बहुत कम लोगों में है लेकिन है ऐसा ही है कि नहीं है वेस्टर्न जो कंट्रीज है जी. उन उन लोगों के एटलीस्ट वो इस्लाम में ना आए क्योंकि वेस्टर्न लोगों क्यों आते हैं hmm. तो उन लोगों को बहुत आज़ादी मिल गया है शायद वो आज़ादी का उन लोगों ने फायदा गलत फायदा उठा लिया है कि वो लोग शराब में है

मुस्लिम है लेकिन उनको फ्रीडम है सब के फ्रीडम है वो लोग इंटरनेट देख रहे हैं बाहर जा रहे हैं उन लोगों को भी पता चले कि वो लोग जो अगर क्या कहते हैं कट्टरता में नहीं है बट एटलीस्ट जब वो काउंट हो रहा है एज अ मुस्लिम तो उन वो क्या कर रहे हैं कि मुस्लिम के जो काउंटिंग है वो उसको बढ़ा रहा है उनके जो पावर है उनको, उनको बढ़ा रहा है तो ये भी ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमको निकलना है एज अ मुस्लिम हमें निकलना है क्योंकि जब तक हम विल बी काउंटेड एज मुस्लिम तब तक इस जो कल्ट है इसके भारी रहेगा उस समय कि हाँ, इतना, इतना तो उनको, पैसा, पैसा उन, उनको डोनेशन मिलेगा है। तो, हमें से भी निकालना है। तो इन दोनों ही मेरा टारगेट है इन दो, दो टाइप के ऑडियंस के जिनको एक तो वो बाहर निकले और एक जो अंदर ही ना आए कभी और वैसे भी मुझे हिंदी चैनल भी खोलना है अगर कोई वो लाइक क्या कहते हैं इंग्लिश वैसा समझते नहीं है और इंडिया के हिंदी yes. एक ऐसा लैंग्वेज है जो आपके सब के बहुत सारे in hmm. हिंदी जानते तो, तो इसलिए मैं हिंदी चैनल भी खोलने वाली हूँ एंड हाँ यही होगा कि लड़कियों को एटलीस्ट वो लोग समझे लड़के भी समझे अच्छा बने जी और निकल आए यहाँ से एक सिस्टम से बाहर आ जाए एक सिस्टम को तोड़ दे हम जी जी yeah. जिस तरीके से आई यू आई मीन ऑफ कोर्स यू आर अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड लाइक आपने देखा होगा कि स्वीडन uh, में कुरान को चला दिया देन यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट तालिबान लोग मैनिक्यून्स uh, के फेस कवर कर रहे हैं आई डोंट नो द वर्ल्ड हैज गॉट बोंकर्स मतलब मुझे ऐसा लगता है पागल हो गए सब सब ये कल्ट में आके सब लोग अपना दिमाग बुद्धि सब कुछ मतलब लुटा देते हैं मुझे लगता है बिकॉज तालिबान में अगर मैनिक्विन रखी है और मैनिक्विन तो एक डिस्प्ले पे होती है उसमें कोई जान नहीं है उसको भी आप हिजाब मतलब उसको कवर कर रहे हो आई मीन वॉट सॉर्ट ऑफ मेंटेलिटी यू हैव इट इज सो मतलब एजुकेशन ढप हो गया है सो वॉट डू आई मीन हाउ डू यू फील मतलब डू यू थिंक दट इस्लाम इज द मेन यू नो अब वर्ल्ड ओवर जहां पर अशांति जहां पर अगर आप देखो तो वुमेन एजुकेशन जहां पर देखो तो स्मॉल uh, गर्ल्स का मतलब कितनी कि चीजें हैं जो इस कल्ड से uh, अभी तक खत्म नहीं हुई है लाइक देर इज नो रिफॉर्म रिफॉर्म तो ये लोग कभी करेंगे भी नहीं

फायदा नहीं है इसका लॉन्ग टर्म इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा कि आप आप एक एक को कट्टरता से बाहर निकल रहे हो अपने दूसरे कोई, कोई ना आप से को मिटा नहीं सकते ना तो आ जाएगा वो कभी बिना कभी वापस तो इस्लाम इसलिए मैं रिफॉर्मेशन नहीं चाहती हूँ मैं चाहती हूँ कि इबॉलिश हो जाए रिफॉर्मेशन नहीं इस्लाम का सोल्यूशन मेरा मानना है ये नहीं है और, yeah. no. और इस्लाम के जो जो प्रॉब्लम है कि आपको आपको बच्चों के कुरान मेमोराइज़ करना है मेमोराइज़ करना है तो बच्चों के ये जो इतना कीमती उनके ब्रेन होता है उस टाइम का इस ब्रेन का कंप्लीट वेस्ट वेस्ट यहाँ से यहाँ से शुरू है यहाँ से शुरू है फिर आप लड़कियों को बांधो आप ये शरीर ये, ये ना दिखाओ वो ना दिखाओ आपके इस पूरा शरीर आपका प्राइवेट पार्ट है एक लड़की के सारा का सारा रख के रखो कि, कि, किस किस हद का बेवकूफी ये सब गर्मी है कुछ भी है तुम ना तुम रख आपका ब्यूटी ना दिखाओ आपकी इंडिविजुअलिटी ना दिखाओ कुछ भी ना दिखाओ आपका सम्मान आपके इंडिविजुअलिटी पे नहीं है आपके सम्मान आपके ब्रेन पे नहीं है आपके प्रेजेंट आप क्या सोचते हो उसमें नहीं है आपके आपने क्या अचीव किया है दिन में जिंदगी में वो नहीं है आपका एक एक कपड़ा है माँ बाप खुद करते हैं डिस्क्रिमिनेशन पाकिस्तान में हो या कुछ भी हो कंट्री में हो जहाँ पे थोड़ा सा भी कट्टरता है वो लोग पड़ा है इस्लाम देखिए वो, वो कभी भी अपने लड़का लड़की को एक जैसा नहीं मानने वाला तो ये जो एक लड़की झेलते हैं अपनी जिंदगी में फिर शादी होके जाओ पता नहीं आपके पति अगर दो तीन चार चा, शादियां कर ले आप कुछ भी नहीं कह सकते जिंदगी है ना आपके एक इंडिविजुअल के इंडिविजुअल जो इम्प्रूवमेंट होता है उनके रास्ते में कंप्लीट एक, एक दरार है इस्लाम के एक लड़कों को सिखाएंगे तुम ऑलरेडी सुपेरियर हो तुम दुनिया में कुछ ना दो एक मुस्लिम क्या सोचते हैं एक मौलाना क्या सोचते हैं वो कुछ भी नहीं किया है ज़िंदगी के के लिए के लिए दुनिया के लिए। ना कोई टेक्नोलॉजी इन्वेंट नहीं लेकिन अभी कोई कुछ ना करके जब एक इंसान खुद को सुपेरियर समझता है वो कुछ करेगा करेगा भी क्या क्यों करेगा नहीं करेगा Yeah. मुस्लिम मुस्लिम लोगों से इसलिए दुनिया में कोई कंट्रीब्यूशन भी नहीं आता है तो एक पर्सनल yes. लेवल पे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है इंसान को एक लड़कों को एक लड़की बचपन से जानते हैं कि शी इज नॉट इक्वल टू अ मैन उसके उसके दिमाग आधा है उसको hmm. पर्दे में रहना है hmm. उसको उसको एक शी इज जस्ट सेक्सुअल ऑब्जेक्ट उसको देखकर किसी भी लड़के का बस सेक्सुअल अराउजल हो जाएगा yeah, इसके जाएगा। लिए इस, यही है उसके एक ओनली एग्जिस्टेंस इसके लिए है तो ये एक लड़की को क्या सिखाता है जिंदगी में तुम पढ़ो मत तुम बाहर जाओ मत तुम चेहरा दिखाओ मत यहाँ पर भी पाबंदी और फिर आप दिन में रहो दिन में रहो आप ये तो गया पर्सनल और सोसाइटी में अगर हम देखिये सोसाइटी में मुस्लिम अलग है वो नॉन मुस्लिम अलग है हम बड़े हैं हम उनको उनके सेलिब्रेशन में नहीं जाएंगे हम उन, वो मर जाए हम उनके बारे में नहीं बोलेंगे वो दुब नहीं पढ़ेंगे मुस्लिम के लिए पढ़ेंगे सिर्फ तो ये सब एक कम्पलीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं एक सोसाइटी को हर एक तरफ से इंडिविजुअली लेकर एकदम ग्लोबली कम्पलीटली डिस्ट्रॉय कर देता है ये होता है इस्लाम ये एक नंबर का क्या कहता आपने क्या कहा था जड़ कहा था ये जड़ी है की जड़ है जी सही बात है व्हाट अबाउट योर फ्रेंड्स हाउ आर योर फ्रेंड्स आपके बहुत सारे अलग रिलीजन के भी फ्रेंड्स रहे तो हाउ मतलब कैसा था आपकी फ्रेंडशिप अगर किसी लड़की से थी तो वो डिड दैट इन्फ्लुएंस यू इन अ वे के मतलब मतलब आप अपने uh, मतलब का, इस कल्ट को फिर आप ऐसे देखने लग गई बिकॉज ऑफ योर फ्रेंड्स यू नो होता है कभी कभी लाइक आई वॉज वेरी इंफ्लुएंस्ड बाय माय मदर साइड ऑफ ऑफ माय पेरेंट्स का जो मदर साइड होता है उसकी फैमिली से मैं बहुत इन्फ्लुस थी बिकॉज आई सॉ सो मच गुड इन दैट बिकॉज दे वर हिंदूज सो आई सॉ सो मच हम्बलनेस एंड गुड मुझे बहुत बहुत ही ननिहाल से वो है क्योंकि मैंने हिंदू साइड ऑफ वो देखा है सो आई वॉज इन्फ्लुएंस्ड एंड आई ऑलवेज वॉन्टेड लीव दिस बिकॉज मुझे कोई सेंस नहीं वो करता था इन्फ्लुएंस इन अ वे कि मुझे uh, उनका हम्बलनेस उनका उनका जो एक यू uh, नो you know, एक इगोलेस जो है mm -hmm. वो बहुत यू uh, नो you know, करता था तो आपको ऐसे क्या thinking, factors, ये factors थे मेरे. आपको इस, ऐसा कभी लगता है कि कोई ऐसा था जिसकी वजह से यू नो यू कैन गिव दैट थिंग यू नो दैट ऑफ दिस ऑल्सो आई लेफ्ट लाइक अच्छा मेरे मैं फ्रेंड बहुत ज्यादा है नहीं मेरी स्कूल में जो फ्रेंड थे उनके अब उस समय हम छोटे थे उस समय मोबाइल फोन नहीं था तो उनके साथ मेरा जो कनेक्शन है कम्युनिकेशन है वो नहीं रहा बिल्कुल भी नहीं रहा और मेरे अभी सिर्फ एक ही फ्रेंड है जिनके साथ मैं कभी-कभी से बात करती हूँ शी इज अ मुस्लिम शी इज मैरिड टू अ मुस्लिम मैन जो एक हुजर हाँ। भी है <laughs> मौलाना भी है बट एनीवे हां हां उसके पति है

कोई घर में से ही अगर आपके साथ कोई हो इट मेक्स लॉर्ड ऑफ डिफरेंस बहुत आपको हिम्मत मिलती है अदर देन कोई बाहर से आपको करे और घर के अंदर अगर लाइक सिस्टर सो सो नाइस दैट इवन शी है नहीं तो घर वालों को मिला ना इज अ टास्क इन इट्स आई मीन दे जस्ट गिव यू आप वो तो आपसे नाता ही छोड़ देते हैं वो तो मतलब इस्लाम के लिए तो क्या नहीं होता है मतलब बोलने की भी जरूरत नहीं है कितना कुछ होता है लोग तो अपने बच्चों को तक यू नो त्याग देते हैं आपको चाहिए नहीं आपको नहीं।, नहीं।, नहीं चाहिए ऑनर के भी हो जाता है वो तो कुरान में भी लिखा है कि भाई तुम डू नॉट कीप even if it is your father your mother your anybody कोई right relation ना रखो if that person doesn't believe you know कितनी right. बड़ी बात है ये you know it's right. a very big thing very big thing to give up your family बहुत बड़ी चीज़ है सही बात आपने अगर oh, कोई क्वेश्चंस okay. है तो उसके ऊपर यू नो यही है ब्लाइंड फेथ इज द वर्स्ट थिंग दैट हैपेंस यू नो कि आप इतना ज्यादा कि आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो ये सबसे बड़ा क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है दैट यू हैव ट्राइड टू आस समथिंग एंड यू डिड नॉट गेट द आंसर्स ऐसा कभी हुआ है आपके साथ uh, ऐसा एन, ऐसे क्वेश्चन मैं किसे पूछूं ऐसा क्वेश्चन तो uh, अप से उतना यू नो शी डजंट लाइक

सवाल पूछे कोई फायदा नहीं होता <laughs> सवाल का जवाब हमें ढूंढना पड़ता है सही बात है कि कभी भी सही बात है जो किया वो इमिटेट करो जो किया है हाँ। वो इमिटेट करो ये एक नॉर्म है इन दिस कल्ट के ये सही बात है ये एक नॉम है इस कल्ट में सही बात है सो यस इट्स टू डिफरेंट वर्ल्ड कि आप जब अंदर हो आपको नहीं पता है कि बाहर की दुनिया कितना सुंदर है आप बाहर निकलोगे जब से प्यार करना सीखोगे, तब आपको पता होगा कि ये कितना कितना बड़ा है, कितना सुंदर है, हमारा ज़िंदगी सुंदर आपको पता चलेगा जब आप इससे बाहर आओगे क्योंकि आप जब अंदर हो आप सुपेरियर हो सही बात है, सही बात सेम सुपीरियर heart... हो और जी और लड़की के लिए तो आप तो सेकंड क्लास ह्यूमन हो

Okay, 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 और वो okay. इसलिए कि एक एक ख्याल जो माँ बाप के जहन में घुसा देता है इस्लाम के अपने बच्चों को एक भी फैमिली से अगर वो हाफिज हो जाए तो पूरा फैमिली तो तो जन्नत जाएगा आपकी जन्नत पक्की पक्की तो इस इसके वजह से इस क्या कहते हैं इसको इस बेनिफिट के वजह से अपने बच्चों को अपने बच्चों की जिंदगी वो बर्बाद कर रहे है